इसराइल हमास युद्ध के बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने भयानक मंजर बयां किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये मानने के लिए उचित आधार है कि हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल में किए हमले के दौरान महिलाओं से रेप, उनका यौन उत्पीड़न और बाकी दूसरे अमानवीय काम किए। ये रिपोर्ट संघर्ष में यौन हिंसा पर काम कर रही संयुक्त राष्ट्र की दूत प्रमिला पैटन की अगुवाई में एक टीम के इसराइल और वेस्ट बैंक के दौरे के बाद सामने आई है। ये दौरा 29 जनवरी से 14 फरवरी तक किया गया था। पैटर्न ने कहा कि ये मानने के लिए भी उचित आधार है कि ऐसी हिंसा जारी हो सकती है। रिहा किए गए बंधकों से हासिल सूचना का हवाला देकर उन्होंने बताया कि उनकी टीम को साफ और भरोसेमंद सूचना मिली है कि बंधक बनाए जाने के दौरान कुछ महिलाओं और बच्चों से रेप समेत यौन हिंसा की गई। 7 अक्टूबर को हुए हमले में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया था। हालांकि फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास पहले इन आरोपों को खारिज कर चुका है कि उसके लड़ाकों ने यौन हिंसा की। पैटन ने रिपोर्ट को जारी करते हुए बताया कि पीड़ितों की संख्या अब भी पता नहीं चली है, लेकिन उनमें से कुछ लोग गंभीर मानसिक तनाव और आघात का इलाज करा रहे हैं। बताया गया है कि संबंधित टीम के सदस्यों ने इजरायली संस्थाओं के साथ बैठकें की और 7 अक्टूबर के हमले में बचे लोगों और गवाहों, रिहा किए गए बंधकों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और बाकी लोगों से बातचीत की। टीम की ओर से जुटाई गई जानकारी के आधार पर पैटन ने कहा, ये मानने के लिए उचित आधार है कि 7 अक्टूबर को हुए हमले के दौरान कई जगहों पर रेप और गैंगरेप समेत संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा हुई। पिछले दिनों जब इसराइल हमास के बीच युद्ध विराम हुआ था, तब कुछ बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली हुई थी। हालांकि अब भी हमास की कैद में बंधक मौजूद हैं। इसराइल में लगातार बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। उधर इसराइल पर आरोप लग रहे हैं कि उसके हमलों में लगातार आम लोग हताहत हो रहे हैं। हाल ही में गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने दावा किया था कि इसराइल हमास युद्ध में 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इन आंकड़ों के साथ आम लोगों और लड़ाकों की डिटेल्स नहीं दी गई थी।